भैया कि हमारे पति हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, सब विकलांग है, सब विकलांग है। ब्लॉक पर ब्लॉक से गए, कौनो सुनाई नहीं है। फिर वहाँ से आई लिए तो प्रधान किया गईली, वहाँ कौनो सुनाई नहीं है। हमारे के कैसे खर्चा चली, आप सोचा था कि सुविधा हमें कुछ सरकार हमें दे, हमारे पेंशन नहीं बना ला, हम कौने से कैसे जिएब, कैसे हमारे बच्चे लोग खाए पिए कैसे रहेगी। छोटी मोटी एक पति में हमार सिया था ना, वही से खर्चा चला था, नहीं तो वो से ना चला था। बाकी अगर बच्चे स्कूल गोइंग है तो स्कूल के माध्यम से उनको मिलेगा। दूसरा, इनकी अन्य सुविधा के संबंध में खंड विकास अधिकारी केराकर से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम इसकी जांच करा लेंगे। अगर इनके परिवार में प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया है तो सर्वे करके इनको वो भी दिलाने का प्रयास करेंगे। हिंदुओं का हमको अता पता दे दें ताकि हम अपनी टीम भिजवा करके उनकी जांच करवा लें। और अगर एक ही परिवार में है तो हो सकता है कहीं कोई जेनेटिक डिफेक्ट भी हो, तो उसकी जो भी संभव वो होगा हम जांच करा करके, और अगर इलाज लायक बीमारी होगी तो उसका इलाज होगा, और अगर लाइलाज होता है या प्रोग्रेसिव डिजीज होगी तो उसमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका प्रमाण पत्र देख लेते हैं, बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना होगा तो उनका प्रमाण पत्र बनवा देंगे ताकि उनको सामाजिक सुरक्षा से भी कुछ सहायता मिल जाए ताकि परिवार चले। और अगर सेरिब्रल पॉलिसी का केस होगा तो उसको उचित सेंटर पर भेजा जाएगा जहाँ बच्चे को ट्रेनिंग मिले कि अपना निजी दैनिक कार्यों को कर ले।